जय सियाराम। हरिओम। मनीष कश्यप तो अभी बिहार और तमिलनाडु का चक्कर लगा रहे हैं पुलिस के हाथों। वो ही एक लड़का था ना जिसने कि फेक वीडियो डाला था, अफवाह फैलाने का काम किया था। तो अभी तो मनीष कश्यप पुलिस के चंगुल में है। तो फिर बिहार में ये दंगे पंगे क्यों हो रहे हैं भाई? ये पत्थरबाजी आगजनी क्यों हो रही है? अरे भैया, अफवाह अब कौन फैला रहा है? वहां की पुलिस बताएगी? मनीष कश्यप यूट्यूबर अफवाह फैला रहा है, ये कह रहे थे ना पत्रकार, कहने में भी शर्म आ रही थी कि उसकी बातों में इतना वजन था कि उसको लोग सुनते थे, समझते थे। बिहार की मजदूर की आवाज बन गया था तो उसे ठोक दिया, पीट दिया, पकड़ लिया। और भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी पत्रकार को ट्रांजिट किया, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। कौन था वो आतंकी? था भाई, ISI का एजेंट था? क्या था? क्या कर दिया था? अफवाह फैलाया था दंगे होते? अब क्या हो रहा है? ये राम नवमी के अवसर पर जो बिहार में हो रहा है, सासाराम जो जल रहा है, ये नीतीश बाबू की जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, सॉरी उनका घर जहां है नालंदा और बिहार शरीफ में जो कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वो जो 6 लोग थे बम बम बना रहे थे, बूम से उड़ गए, मरे नहीं, मतलब कि जिंदा हैं, घायल हैं। उनके नाम क्या हैं? उनको किसने बोला था कि ये करो? कौन सा वीडियो देख के वो ऐसा कर रहे थे? अरे पुलिस भैया बताओ तो, उनका नाम क्या था ये तो बता दो। कौन से लोग थे? नाम नहीं बता रहे। अफवाह क्या था ये नहीं बता रहे हैं? केंद्र सरकार से मंगवा रहे हैं फोर्स, बुझिए, CR सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मंगवा रहे हैं। 1-1 हजार आया है। क्या है? कौन सा अफवाह आ गया? कैसी सत्ता है? कौन सी सरकार है? कौन सा अपीजमेंट चल रहा है? बता नहीं रहे कुछ लोग, मतलब वो जो दुष्ट हैं, वो जो बदमाशी करने वाले लोग हैं, वो जो एंटी एलिमेंट्स हैं, ये बोल रहे हो? बोलो ना, कौन थे? क्या नाम था उनका? क्या कर रहे थे? अरे वो जो बम से जो बम बनाते हुए उड़ गए और फिर उनकी इलाज उलाज करा रहे हो आप लोग, हैं? हाँ, DGP साहब ने जो बोला है वो जरा सा सुन लीजिए। DGP सरदार जी हैं, बड़े मस्त आदमी हैं। बहुत कह रहे हैं कि भैया जो ओवरऑल है वो मैं बता पाऊंगा, वो जो लोग थे जो बम बनाते हुए पकड़े गए थे उसका जांच जूच भी हो गया, जो एलिमेंट जो एक्सप्लोसिव थे उसकी भी जांच हो गई है। वो लोग जो थे वो खुद ही बना रहे थे और ब्लास्ट कर गया और उड़ गए, इसीलिए वो लोग अपराधी हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे, इलाज चल रहा है, तब उसको जेल ले जाएंगे। वो कह क्या रहे हैं जरा सा सुन लो। कि जो सासाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे, कल रात में ही हमने यहाँ से FSL की टीम और डॉग स्क्वाड को भेज करके सुबह 5 बजे हमारी FSL की टीम पहुँच गई थी और उसने जांच करके जो वहाँ पे अंश मिला था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का, उससे हमने ये साबित कर लिया कि वो किसी तरह का किसी के ऊपर हमला नहीं था। वो व्यक्ति स्वयं ही या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जो जख्मी है वो अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, उनका इलाज चल रहा है। जब वो बेहतर हो जाएंगे, हॉस्पिटल से छूटेंगे, तो वो जेल जाएंगे। सुन लिया? ये हैं वहां के DGP साहब। और ये जो सुन लिया, ये जो हैं DGP साहब हैं बिहार के, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है। और इससे पहले मैंने सुना है कि नीतीश बाबू ने अनाउंस किया है कि 5 लाख रुपए देंगे, जो मृतक के जो सबसे नज़दीकी रिश्तेदार होंगे उसको देंगे। फिर वो कागज पत्र देखेंगे कि किसके पास क्या कानून है, बाप है तो माँ भी है तो फिर भाई भी है फिर बहन भी, वो सब देखेंगे। वो सब लफड़ा फिर चलता रहेगा। अभी मारा गया है, इसमें कोई बात नहीं है। और जो घायल हुए हैं उसके में भी कुछ करेंगे वो लोग, अपना मुआवजा का इंतजाम करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप तो है नहीं भाई। कौन अफवाह फैलाया? किसने साजिश रची? उसको तो पकड़ो। क्या है मतलब, क्या कह रहे हो आप लोग? हाँ, कह रहे थे कि हर बार हम एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स रामनवमी के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। क्यों करते हैं भाई? रामनवमी के ऊपर ही क्यों करते हैं? कभी किसी दूसरे मजहब के जो होते हैं तजिया उजिया निकलता, उसमें क्यों नहीं करते? समझ नहीं आ रही जड़ कहाँ है? PFI निकलता है बिहार से, वहां केंद्र NSA आकर के गिरफ्तार करती है। समझ में ना आ रही?
मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया, मतलब तेल निकाल रहे हैं उसका या उसको फौलाद बना रहे हैं? जो तो छोड़ो, फौलाद तो है और बनेगा, लेकिन ये जो साजिश रची गई, ये जो नालंदा जला, ये जो बिहार सड़क में आगजनी हुई, ये जो सासाराम में फ्रेश फ्रेश दोबारा से भी हुआ ना भाई, कहते हो कि सारा सीसीटीवी में फुटेज आ गए हैं, पहचान कर रहे हैं, जो पुलिस वाले थे वर्दी में थे, उन वर्दी में भी कुछ कैमरा लगे होते हैं, वो सब से भी पहचान हुई है, तो किस बात का इंतजार है? कहीं नाम नुम ना लेने हैं, नाम लेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि जो भी कोई हंगामा करता है, पत्थरबाजी करता है, आगजनी करता है, वो किसी धर्म उर्म का नहीं होता है, वो एंटी एलिमेंट होता है ना, अफवाह फैलाने वाला जो होता है, सिर्फ मनीष कश्यप होता है, उसको ये पत्रकार लोग मतलब धूर्त मकार लोग त्रिपुरारी शर्मा करके लिख रहे हैं, जैसे कि उसका जाति पाति का पता चले। भैया उसका बैकग्राउंड भी देख लो ना, दादाजी आर्मी में, पिताजी आर्मी में, खुद इंजीनियर, तब ये खुद आने इस दुनिया में, बिहार की आवाज बनने के लिए तो आया ना। कुर्की कर दी उसके घर की, 80 किलो सोना मिले, $10,000 जो है मिले, डॉलर कैश नहीं, नहीं मिले, वो पंखा खोल के ले आए, स्टूल बेंच ये ले आए वहां से, रखे उखे हो कि नहीं? जब वो मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा, तो फिर वापस करोगे कि नहीं? डीजीपी साहब बोलो ना, पॉलिटिकल प्रेशर है, बोलोगे तो नौकरी चली जाएगी, कानून व्यवस्था क्या है वहां की हैं? ये तो पता है ना, पश्चिम बंगाल हल्ला कर रहे हैं लोग, योगी बाबा चाहिए, बुलडोजर वाला चाहिए, कुछ नहीं होना है। जब अपीजमेंट की राजनीति होगी, वोट की राजनीति होगी, मुसलमान यादव के कम्बिनेशन वाली राजनीति होगी, गब्दू पलटू राम नीति, सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, तो जंगल राजी होगा ना। अपवाह कौन उड़ाया, साजिश किसने की, इतने बड़े दंगे की भी रामनवमी के अवसर पर, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा जहां भी वहां ठोक दो। बेगूसराय सब में पहले ही 30-30 जो थे लाउड स्पीकर के, जो बड़े बड़े साउंड बॉक्स होते हैं, उस सबको पहले ही सीज कर लिया, गिरफ्तार कर लिया एडवांस में कि ऐसा हो सकता है, तो वहां भी कर लेते ना, बिहार शरीफ में भी कर लेते ना, नालंदा में कर लेते, वही एक ही जगह तो है ही, सासाराम में कर लेते, लेकिन नहीं है। अब जब घटना हो गई तो फिर मंगाए हैं वहां से पुलिस फोर्स, तो केंद्र पर ही भरोसा कर लो, दे दो, बोलो कि भैया राष्ट्रपति शासन लागू कर लो, हमारे बस की नहीं है, हमारे बस के जो बालू माफिया को टैकल करना नहीं है, शराब माफिया को टैकल करना नहीं है, ये जो है मेडिकल माफिया को टैकल करना नहीं है, शिक्षा माफिया को टैकल करना नहीं है, ये वो जो शांतिप्रिय लोग हैं उनको टैकल करना हमारे बस की नहीं है, वो जब चाहे पत्थरबाजी कर दें, आगजनी कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन सत्ता में रहना है, बात करनी है, विचार करनी है, अगला फिर तो चुनाव आएगा 2025 में भी, तो वोट लेना है, 2024 में भी चुनाव आ रहा है केंद्र की, तो वो सब देखते हुए उन लोगों को तो सुरक्षा भी देनी है ना, चाहे कुछ भी करें। ये पता है कि वो आदमी जो 6 लोग थे वो खुद ही बम बूम बना रहे थे और बूम से उड़ गए, उनका इलाज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग जब स्वस्थ हो जाएंगे तो वो आदि हैं, वो जेल जाएंगे। अरे भैया ये भी तो पता कर लो, वो कौन लोग थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, किसके अखबार से वो कर रहे थे, क्या करने के लिए कर रहे थे, क्या होना था, बताओ ना मीडिया को। अभी आने का मकसद इतना ही, आज 3 तारीख है, क्या हुआ उसको मनीष कश्यप बेतिया में है ना, 3 तारीख को उसकी पेशी है, वो तमिलनाडु पुलिस लेके आई कि नहीं? वो मदुरई के जज साहब ने तो कह दिया ये तो ऐसा अपराध था ही नहीं कि गिरफ्तार किया जा सके, तो फिर पता नहीं कौन सा पेच लगा के उसको रोके हुए रखे हुए या फिर लेके आए, तो अभी तक मेरे को वीडियो और कोई वहाँ के डिजिटल मीडिया पे ही मैं विश्वास करता हूँ, जो बिहार की है, जो बच्चे लोग कर रहे हैं उसी पे विश्वास करता हूँ, अभी उसे कोई खबर आई नहीं है, तो जरूर देना और कमेंट में जरूर लिखना, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बिहार को जंगल राज होने से बचाइए। मनीष कश्यप के साथ खड़े रहिए और देखिए, ये एग्जाम्पल सामने है, अगर मनीष कश्यप होता तो वो जो बम से उड़े हैं, वो जो आतंकवादी हमले हुए हैं, वो जो आग जनी हुई है, वो जो दिस जेट हुआ है, सबका वो छिलके खोद खोद के निकाल निकाल के सबके सामने अब तक आ चुका होता, उन सब के नाम भी आ चुके होते। ठीक है, तो हम आते रहेंगे, थोड़ा सा होता ही है ना, जब अपने और अपने जैसे
पॉलिटिकली प्रेशर दे करके अपराध अपराधी बना करके सजा दी जाती है, उसके पीछे लगा जाता है, डंडा किया जाता है, आत्महत्करी लगाई जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा आगे आए कि भी हत्करी तभी लगाएंगे जबकि और कोई रास्ता ना हो, ये सब कुछ झेलना पड़े मनीष कश्यप को। चलिए हम सब साथ रहें, एक रहें, बिहार को जंगल राज से मुक्त करें और मनीष कश्यप के साथ रहें, बस यही कहने के लिए आया था। तो बोलिए जय सियाराम, हरिओम।